स्वागत है आपका यूपीपीएससी आरओएआरओ के दूसरे लेक्चर में। हम तैयार कर रहे हैं अपना सेकंड पेपर जो हिंदी का आता है, जिसमें 60 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी में पर्यायवाची, तत्संग तद्भव, विशेष विशेषण, अनेकों शब्द के एक शब्द, ये सभी 10-10 क्वेश्चन आते हैं जो इम्पोर्टेंट भी होते हैं। और जैसे जीएस डेली बच्चा पढ़ता है तो जीएस तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तैयार हो जाता है, पर हिंदी में थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैं यहाँ पर आपको 100 पर्यायवाची तैयार करवाऊंगी और सारी पर्यायवाची मैंने वो सारे 30 साल के पेपर से चेक करके बनाई है। इसमें कोई भी पर्यायवाची ऐसी नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो या जो आती ना हो। ये सारी पर्यायवाची इम्पोर्टेंट हैं। आप इन्हें वीडियो से और पीडीएफ डाउनलोड करके, मेरा रिसोर्स यूपीपीएससी के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, उस पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी हिंदी की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। अगर इसमें किसी को भी लगता है कि नहीं नहीं टाइम पास है तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप बिल्कुल भी ना पढ़ें, आप बुक से पढ़ें। पर बुक से पढ़ने में एक ही दिक्कत है कि समय बहुत जाएगा और सारी पर्यायवाची, तो अगर 100-200 पर्यायवाची है तो हमें 100-200 पर्यायवाची वैसे भी नहीं याद करनी है, क्योंकि अगर हम सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो कुछ भी नहीं हमारे पास बचेगा। तो हमें ये देखना है एग्जाम में कि इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़े। तो चलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट पर्यायवाची तैयार करवा देती हूँ। तो ये देखिए, ये सारे आरओएआरओ के एग्जाम में आए हैं। अगर आपने पिछले साल के पेपर देखे होंगे, पिछले 20 से 30 साल के पेपर, तो आपको ये पर्यायवाची सारी यूपीपीएससी में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेंगी। मैंने खुद चेक करके अपने हाथों से बनाया है। तो ये देखिए, पशुपति, शंकर, उमापति, कैलाशपति, शंभु, महेश्वर, त्रिपुरारी, कुमारी, गंगाधर, महेश, चंद्रमौली, मदनहारी, ये इसकी इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं। इन्हें आप इसी तरीके से लिख के अगर याद करेंगे 2 से 3 बार में तो कुछ ना कुछ तो याद हो जाएंगी। और कुछ लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बना लेते हैं, अगर आपसे शॉर्ट ट्रिक इनकी बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आपको इस तरीके से याद नहीं करना पड़ेगा। अगर नहीं बनती है तो मैं तो ऐसे ही याद कर लेती हूँ, 5 से 6 बार इन्हें रटती हूँ, फिर ये माइंड में धीरे धीरे याद हो जाती हैं। अब देखिए, मैं यहाँ बता रही हूँ बाण की है अशुभ, नाराज, यहाँ पर ये चा है नाराज, पत्री, शर, शायक, शिलीमुखी, पत्री, ये यहाँ पर जल की पर्यायवाची है। अगर आप बुक नहीं परचेज करना चाहते हैं और तमाम ढेर नहीं लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से नॉर्मली 3 से 4 मिनट का मुश्किल से वीडियो रहेगा, उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करके उससे मिला के पढ़ लीजिए। बस मुश्किल से आपका 10 से 15 मिनट खर्च होगा। अगर बुक से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, पर बुक में आपको फिल्टर करनी पड़ेगी, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं। उसके लिए फिर आप पिछले सालों के पेपर को देखें, फिर उससे आप क्लेरिफाई कर पाएंगे कि कौन सी इम्पोर्टेंट है। तो अगर इन सबसे बचना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, बाकी चॉइस आपकी है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको 1 से 2 चीज़ें अच्छी बता देती हूँ। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि देखिए, जैसे हम जल की अगर हमने याद कर ली, जल वार नीर तोय, अम्ब उदक पै जीवन, अमृत मेघ पुष्प, अब जल से ही आप बादल की भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर जल है, यहाँ पर द का केवल यूज हुआ है, जल जलद, वार वारिद, नीर नीरद, तोय तोयद, अम्बु अम्बुद, उदक पै अब जीवन, अब यहाँ पर अमृत है ये अब्र है, मेघ पुष्प अम्बुधर। तो यहाँ पर ये 5 से 6 ऐसी कॉमन है जो आपको जल की अगर आपने याद की तो आप बादल की भी इसी से याद कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारी बादल की। जैसा कि मैंने बताया कि ये 3 से 4 यहाँ तक आपकी, ये यहाँ तक आपकी, इसी को अगर आपने याद किया है तो इससे इसका दोनों को हो जाएगा। सिर्फ ये 5 से 6 पर्यायवाची आगे आपको याद करनी पड़ेंगी। अब आँख की हम देख लेते हैं। आँख, चक्षु, नयन, लोयन, दृग, अम्बक, दृष्टि, विलोचन, अक्षी। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर फिर अब देखिए, अगर आपने जल की याद की थी और बादल की उसी से याद हो गई तो आपको कमल की भी सरलतम तरीके से बहुत आसानी से याद हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर दा का यूज किया था, अब यहाँ पर आप जा का यूज कर लीजिए। वहां पर जल जलद जलज, वार वारिद वारिज, नीर नीरद नीरज, तोय तोयद तोयज, अम्बु अम्बुद अम्बुज। यहाँ तक तो देखिए आपको जल, बादल और कमल सेम मिलेंगी, बस आपको ये 7 से 8 अलग याद करनी है, पंकज पुष्कर। तो ये तो हमने बचपन में 6-7 क्लास में पढ़ी है हिंदी, तो ये तो याद हो जाती हैं। तो यहाँ से आप कर सकते हैं पंकज पुष्कर, परिजात, पथोज, पुंडरी, कंज, कुमुदनी, कुवलय, कुशेशय, अरविंद, राजीव,
मकरंद, ताम्रस। अब देखिए कितने सरल तरीके से यहाँ तक आपको ये लगभग 6 पर्यायवाची याद हो जाएंगे। अब फटाफट से हम आगे और देख लेते हैं, वरना वीडियो फालतू में लंबा हो जाएगा और मुझे बिल्कुल भी नहीं कि मैं लंबा करूं, बस आपके काम की चीज़ें होनी चाहिए बस। तो ये देखिए, वृक्ष की हम अगम, विटप, तरु, द्रम, पादप, पे, गाच। अभी यहाँ पर सूर्य, सूर्य की भी काफ़ी लोगों को याद रहती है, जैसे मुझे इसकी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर व प्रभाकर, मार्तंड, मरीच, सविता, पतंग, हंस, भानु, अंशुमाली। पर्वत की गिर, शैल, भूधर, तुंग, भूमिधर, आद्र, नग व अचल, महीधर। यहाँ पर आप तालाब, तालाब की हो जाएगी सरस, सर, सरसी, ताल, सरोवर, पुष्कर, जलवान, जलाशय, पोखर। ये हो जाएगी आपकी तोता की केर, सुवा, सुख, दंडिम प्रिय और सुग्गा, मिट्ठू, रक्तोट। तो मिट्ठू तो कॉमन है, कई लोग बोलते रहते हैं, तो ये तो आप वैसे ही समझ जाएंगे कहीं भी आएगा एग्जाम में। तो अभी हम दूध की देख लेते हैं, पीयूष, क्षीर, सुधा, पय, दूहज, गौरस, दुग्ध, दूध, दूध का, बस यहाँ तक है। सीसा यानी जो दर्पण, तो सीसा की होगी मुकुट। आईना आप कॉमन जानते हैं, दर्पण भी जानते हैं, आरसी। इसके बाद में ये आया आपका धन, धन का भी हम लोग पढ़ते रहते हैं इकोनॉमिक्स में। वित्त, तो इससे समझ में आ जाता है अर्थ, वित्त, द्रव्य, राशि, मुद्रा, संपत्ति। इस तरीके से आपको 12 से 15 आराम से याद हो जाएंगे। इनको आप इस तरीके से नोट डाउन करके दिन में 2 से 3 बार अगर केवल पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। मैं इसकी PDF डाल दूंगी, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो बताइएगा, अगर आपको कोई कमी लगती है तो वो भी आप शेयर कीजिएगा, मैं और सुधार करने की कोशिश करूंगी। पर मेरा एक ही उद्देश्य है कि चीज़ें आपको फिल्टर होकर सही सही मिल जाएं और आप आराम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ पाएं। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों।